Rusev blocks again. Oh my. And now Cesaro! You gotta be kidding me! History has grown. There haven't been any natural. के साथ देश हमारे पास आपके लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। आज शहर में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए जिनमें 130 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। अभी तक आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया है, हालांकि जांच जारी है। इस दौरान सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वह अपने घरों के भीतर रहें तथा आसपास जो भी हो रहा हो उस पर नजर रखें, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिन आतंकवादियों ने ये बम विस्फोट किए हैं वो लोगों के घरों में छिपने की कोशिश करेंगे। कृपया पूरे समय अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और अपने इलाके में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करें। तुम संतुष्ट हो? तुम्हें लगता है कि तुमने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अपने परिवार की जिंदगी को सुरक्षित कर लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि अब उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता? फिर से सोच, क्योंकि वह सुरक्षित नहीं है। तुम आतंकवादियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम अपने घर के अंदर होने के बाद भी सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि मैं यहां हूं। मैं आतंक हूं, मैं हवा में हूं, मैं हवा ही हूं, और मैं तुम्हारे पास आ रही हूं तुम सबको अपने जाल में जकड़ने। क्या आप जानते हैं कि घर साफ करना वास्तव में फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि घर में इस्तेमाल किए जाने वाले क्लीनर्स हवा को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही खाना पकाना, फर्नीचर, घरों में होने वाला पेंट और पालतू जानवर हवा को सांस लेने के लिहाज से खराब करते हैं। वहीं एयर कंडीशन घरों में दरवाजे और खिड़कियां अक्सर बंद ही रहते हैं, जिससे ताजी हवा अंदर कम ही आ पाती है। दूसरे शब्दों में जो स्वच्छ नजर आता है वह वास्तव में स्वच्छता से कोसों दूर है। तो आपको अब भी लगता है कि आप घर के अंदर सुरक्षित हैं और आसानी से सांस ले सकते हैं? ये सच्चाई को जानने का वक्त है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रदूषित हवा हर किसी को, विशेषकर बच्चों को प्रभावित करती है। हमारा 90% वक्त स्कूल, दफ्तर, घर और सार्वजनिक स्थलों जैसे प्रदूषित स्थानों में बीतता है। हम घरों के भीतर जो सांस लेते हैं उसमें बड़ी संख्या में नजर नहीं आने वाले नुकसानदेह कण होते हैं, जो शरीर में पहुंचकर हमारे श्वसन तंत्र को बाधित करते हैं। यह क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज यानी सांस की बीमारियों की अहम वजह है, जिसे आमतौर पर जुकाम के नाम से जाना जाता है। इससे अन्य बीमारियां भी सामने आती हैं, और समय के साथ आपको पता चलता है कि नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। क्या आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में आस्मा के एक तिहाई मरीज भारत में रहते हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ डिजीज के मुताबिक 93% छुट्टियां जुकाम, खांसी और अन्य सांस संबंधी बीमारियों के कारण ली जाती हैं। भारत में इंडोर वायु प्रदूषण खराब स्वास्थ्य की सबसे अहम वजह है। शहरी इलाकों के अधिकांश बच्चों के फेफड़े अल्प विकसित होते हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? सच्चाई ये है कि समाधान है। इसका एक समाधान अपने कमरों का वेंटिलेशन बढ़ाना है। ये काफी पुराना प्रचलित समाधान है,
घरों के भीतर लगे पौधों से नुकसानदेह पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाने में मदद मिलती है, लेकिन प्रदूषण में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ये बड़ी समस्या एक छोटे से समाधान की तरह है। शारीरिक व्यायाम भी इसका एक विकल्प है, लेकिन हमारी मौजूदा जीवन शैली को देखते हुए समय की अक्सर कमी ही बनी रहती है। तो और क्या समाधान हो सकता है? ये हमें परिचित कराता है हमारी खौफनाक कहानी के हीरो से, हमारी सेहत और स्वास्थ्य का भरोसेमंद साथी वेस्टीज। शाप के सहयोग से आपके लिए लाया है एयर प्योरिफायर। जापान की संपन्न विरासत के साथ शाप खुद एक सदी में तकनीक के क्षेत्र में हुई तमाम नई खोजों को समेटे हुए है। कंपनी ने 1915 में एवर शाप पेंसिल की खोज की। 1953 में टीवी के बड़े स्तर पर उत्पादन। 1973 में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण। 2000 में एयर प्योरिफाइंग प्लाज्मा क्लस्टर तकनीक का विकास और दुनिया में पहले एलसीडी टीवी का निर्माण जैसी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज दुनिया के सभी महाद्वीपों में मौजूदगी के साथ शाप को कई देशों में लाखों ग्राहकों को संतुष्ट करने का श्रेय मिला है। तो ये एयर प्योरिफायर आपके लिए सही कैसे है? अच्छा सवाल है, हम बताते हैं कैसे। प्रदूषक तत्वों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी को हटाने के लिए हमारे पास हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर है, जिसे हेपा के नाम से भी जाना जाता है। भले ही सभी एयर प्योरिफायर्स में हेपा होता है, लेकिन शाप में ये सबसे ज्यादा कुशल होता है, क्योंकि इसे 2 कारकों पर सबसे ज्यादा अंक हासिल हुए हैं, जिसे हेपा की कुशलता के आंकलन में इस्तेमाल किया जाता है। द सर्फिस एरिया, जो यदि ऊंचा होता है तो बेहतर होता है, और क्लीन एयर डिलीवरी रेट या CADR। हम अब एक कमरे में PM2.5 स्तर जांचने के लिए एक एयर क्वालिटी मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे। अंक जितने कम होंगे, हवा उतनी ही स्वच्छ होगी। हम पहले इस कमरे में एयर प्योरिफायर को चलाए बिना PM2.5 स्तर की जांच करेंगे। अब हम प्रदर्शन को परखने के लिए एयर प्योरिफायर को चलाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के भीतर इसके स्तर में खासी कमी आई है। शाप एयर प्योरिफायर प्रदूषक तत्वों को हटाता है और हवा को स्वच्छ बनाता है। इससे हवा ताजी और सांस लेने लायक बन जाती है। अन्य 4 कैटेगरीज के लिए शाप एयर प्योरिफायर हाई डेंसिटी प्लाज्मा क्लस्टर आयंस का इस्तेमाल करता है, जो न सिर्फ हवा से बल्कि कई सतह यानी सरफेस से सभी नुकसानदेह संक्रामक तत्वों को सक्रियता से हटाता है, खत्म करता है और मारता है। ये उनको हटाने के तरीके और उसके बाद घरों के भीतर महसूस होने वाली ताजी हवा से भी जाहिर होता है। लेकिन हमारी बातों पर ऐसे ही यकीन ना करें। इसे दुनिया के जाने माने 22 संगठनों ने भी प्रमाणित किया है। लेकिन असली सवाल ये है कि शाप दूसरों से बेहतर कैसे है? हम बताते हैं कैसे। अन्य एयर प्योरिफायर स्वच्छता संबंधी कार्य निष्क्रिय तौर पर करते हैं, जहां इसका प्रभाव अंदर खींची जाने वाली हवा तक ही सीमित है, जबकि शाप एयर प्योरिफायर के सक्रिय प्लाज्मा क्लस्टर आयंस कमरे के कोने कोने में जाकर हवा को स्वच्छ करते हैं और नुकसानदेह गैस जैसे फॉर्मल्डिहाइड और संक्रामक तत्वों को नष्ट करते हैं। इस प्रकार शाप एयर प्योरिफायर के फायदे आपके सामने हैं। इसके अलावा एक कंपनी के तौर पर वेस्टीज इस बात को समझती है कि आपके परिवार को सुरक्षित रखना कितना अहम है। यही वजह है कि एयर प्योरिफायर सुनिश्चित करता है कि कोई ओजोन नहीं रहे, जिससे पर्यावरण बच्चों के लिए सुरक्षित हो और इलेक्ट्रिकली भी सुरक्षित हो। ये सभी घरों के लिए आदर्श है। इस प्रकार अब आपको मालूम चल गया होगा
कि आपके घरों के भीतर की हवा काफी प्रदूषित है। ये हर किसी के लिए खतरनाक हो सकती है। जिसे आप चाहते हैं, क्या आप वास्तव में उनकी जिंदगी पर कोई जोखिम लेना चाहते हैं? जल्द फैसला करें, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है। तुरंत कदम बढ़ाएं।